असलम एवरी वन उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे सबसे पहले तो अला पा से तोल् पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों में कामयाब करें आप लोग की उम्मीदों से बढ़कर आप लोगों को नंबर दे आमिन सोम आमिन कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा जी स्टूडेंट्स मैंने पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिज़ल्ट डेट्स और पासिंग परसेंटेज के हवाले से वीडियो शेयर की थी जिसके कमेंट सेक्शन में इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फेडरल बोर्ड वाले काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेजेस आ रहा था कि हमारे हवाले से भी बता दें कि फेडरल बोर्ड के पासिंग परसेंटेज क्या होगी रिज़ल्ट की डेट क्या होंगी तो आज की एक चेहरी के अंदर फाइनल जो है इसके बारे में बता दिया गया है तो सबसे पहले अगर फेडरल बोर्ड पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो इस साल आप लोग के थर्टी ही पासिंग मार्क्स होंगे यानी कि 2024 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं और उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं तो आप लोग के 33 परसेंट के हिसाब से ही रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा इसके अलावा अगर सेकेंड एनअल की बात कर ली जाए तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने टू में सेकेंड एनुअल एग्जाम्स देने होंगे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स या इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स तो उन स्टूडेंट्स के भी थर्टी ही पासिंग मार्क्स होंगे उसके बाद दूसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा किया जाता है कि रिजल्ट जो है हमारा मेट्रिक का वो कब अनाउंस किया जाएगा तो आज की एक चेहरी में बता दिया गया है कि जो आप लोग का रिजल्ट है फेडरल बोर्ड मेट्रिक वाले स्टूडेंट्स का वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के अंदर अनाउंस किया जाएगा जबकि उसकी ऑफिशियल डेट नेक्स्ट वीक के अंदर अनाउंस कर दी जाएगी तो ये थी जी आज की वीडियो जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे पंजाब बोर्ड की ऑलरेडी अपलोड हो चुके आपको चैनल पे मिल जाएगी चैनल विजिट कर सकते हैं बाकी ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर रिजल्ट्स मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़